अररिया के गयारी में NH-57 पर एक ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद जावेद अनवर और कौसर परवीन के रूप में हुई है। मृतक जावेद अनवर पुण्या नगर निगम में और उनकी पत्नी कौसर परवीन भी पुण्या समाहरणालय में कार्यरत थी। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि पति पत्नी बाइक से पुण्या से अररिया होते हुए डोरिया एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान पुण्या जा रहा तेज रफ्तार ट्रक गयारी फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर दूसरे लेन से आ रही बाइक को रौंदते हुए पास खड़ी ऑटो पर जा गिरा। इस हादसे के बाद NH-57 पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। मृतक के रिश्तेदार मोहम्मद रिफत ने बताया कि दंपत्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, तभी ये भयानक हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि मृतक के दो बच्चे हैं, जिसमें एक 20 साल और दूसरा 15 साल का है। वहीं रिश्तेदार मोहम्मद इकराम ने बताया कि पति पत्नी डोरिया अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। ये जो हादसा हुआ कौन लगते हैं आपके? ये हमारे साढ़ू की लड़की है और दामाद है। घर इनका पूर्णिया। लड़की का घर पूर्णिया ही है। लड़की का भी पूर्णिया। जी, लड़का भी पूर्णिया का। जी, कैसे हुआ आज आने के बाद? ये डोरिया अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे ना, उसी में ये एक्सीडेंट हुआ। अब कैसे हुआ हम लोग तो नहीं थे, लेकिन दोनों नौकरी में थे। एक जिला में जो विकास शाखा है उसमें ये लड़की ये थी कंप्यूटर ऑपरेटर और ये नगर निगम पूर्णिया में थी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकरामुद्दीन। मौके पर पहुंचे नगर थाना अध्यक्ष कुमार अभिनव ने बताया कि ट्रक के अनियंत्रित हो जाने के कारण ये घटना घटी है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सर, कैसे हुआ ये मामला? जैसा जो जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने बताया कि एक ट्रक इधर से जा रही थी, वो शायद डिवाइडर से टकरा गई। ट्रक जो है इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होके एक पति पत्नी जो मोटरसाइकिल पे उधर ट्रक को इम्बैलेंस देख के खड़ा हो गया था, रोक दिया था गाड़ी उसने, लेकिन ये ट्रक जंप करके उसके ऊपर से होते हुए गिर पड़ी नीचे घर पे। कितने लोग थे सर? दो लोग थे। कहाँ के हैं ये सब कुछ पता? बताया गया कि पूर्णिया के। ये पूर्णिया ये एक एक्सीडेंट है। दूसरी घटना में कटिहार में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा के पास देर रात को हुई इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों युवक मोटरसाइकिल से पुण्या बारात में जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रमोद महलदार, तोता महलदार और उमेश महलदार के रूप में हुई है। इस घटना के बारे में मृतकों के परिजनों ने बताया कि प्रमोद महलदार और तोता महलदार रानीपत्रा पेहाक गोला निवासी थे, जबकि उमेश महलदार रामसभा गौशाला में रहता था। तीनों बारात गाड़ी के निकलने के बाद मोटरसाइकिल से ही बारात में जा रहे थे। उसी वक्त अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। तीनों युवक मछली के कारोबार से जुड़े हुए थे। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले हैं? रानीपत्रा पैका गोला। क्या हुआ था, क्या घटना है? बराती जा रहा था पैका यहाँ से रानी घाट से, 12:30 बजे निकला, 1 बजे घटना हो गया सिरसा चौक पे। रहने वाले कहाँ के? रानीपत्रा। क्या नाम है? प्रमोद महलदार, एगो का नाम तोता महलदार। कैसे जा रहे थे? बाइक से, मोटरसाइकिल से जा रहे। क्या धक्का मार दिया कोई? ये तो पता नहीं, पता चला कि ये लोग खुद ठोका है गाड़ी को। भाई हाँ। आप कौन है? हम जी जान में उसका। इस घटना में 3 लोग की मौत है, तीसरा कौन है? तीसरा दोस्त है इन लोग का, साला का मेरा दोस्त है। क्या नाम बताया आपका? गोविंद महलदार। आपका घर का? विनोदपुर।